पुलिसा झारखंड बंगाल के अउ मवेशी मन ला तस्करी करत एक पिकअप वाहन ला पकड़े हे। पुलिस ए पिकअप ले 9 मवेशी मन ला जब्त करे हे। बताया जाते कि पुलिस बीते रात झारखंड के ओर ले जाए वाला सड़क में कांटा के तार बिछा के ए पिकअप ला पकड़े हे, लेकिन अंधेरा के फायदा उठा के तस्कर मन फरार हो गई नहीं। फिलहाल पुलिस मामला में आगे की कार्रवाई करत है। मामला जिला के लोदाम थाना क्षेत्र के ग्राम पीलखी मोड़ के बताए जाते। छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा में सरलग मवेशी मन के तस्करी करे जाते, जिला लेके जसपुर पुलिस सख्ती ले सरलग कार्रवाई करत है। यही बीच बीते रात पुलिस ला मुखबिर ले मिले एक सूचना में पिकअप वाहन में मवेशी मन भर के झारखंड और बंगाल डहर बूचड़ खाना ले जाए जाते कर जानकारी मिली। सूचना मिलत ही लोदाम पुलिस है झारखंड कोती ले जवैया जंगल के रद्दा पीलखी मोड़ में घेराबंदी करी से, तब देर रात तेज रफ्तार पिकअप वाहन ला पुलिस रोके के कोशिश करी। जब गाड़ी हा नहीं रुकी से तब पुलिस हा कांटा के तार बिछा के सड़क में रख दिस, जेकर ले पिकअप के आगू के दोनों टायर ब्लास्ट हो गए और पिकअप रुक गए। उन्हें अंधेरी के फायदा उठा के हालांकि तस्कर मन फरार हो गए, फिर पुलिस हा पिकअप और मवेशी मन ला जब्त कर लिए है। जशपुर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह हा बताई है कि पुलिस के द्वारा पशु तस्कर मन के खिलाफ सरलग अभियान चला के कार्रवाई करी जाते। उमन ये गलो बताई है कि ये पशु तस्कर मन काफी स्पीड में वाहन ला चलाते, जेला रोके बर नवा तकनीक के तहत पशु तस्कर मन के गाड़ी ला पंचर करे जाते और पकड़े जाते। बीते रात घरों ऐसे ही लोदाम थाना क्षेत्र में एक गाड़ी ला पकड़ेगी, फिर पशु तस्कर हालांकि फरार हो गए, फिर गाड़ी के नंबर के आधार में पुलिस हा गाड़ी मालिक के पता लगा लिए है। अब पुलिस की टीम रवाना करे जाते। उमन ये गलो बताई है कि जो गाड़ी मिले है उमा 9 मवेशी मिले है और अभियान सरलग चलत है। बीते सप्ताह भर में ऐसे दो कार्रवाई करे जा चुके हैं। जसपुर पुलिस के द्वारा पशु तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, और चूंकि ये पशु तस्कर बहुत ही स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, उसके लिए उन्हें रोकने के लिए एक नई तकनीक का यूज़ किया जा रहा है, जिसमें उनकी गाड़ी को पंचर किया जा रहा है, और पंचर के बाद भी ये गाड़ी को बहुत स्पीड में भगाते हुए लेके गए हैं। इनका गाड़ी का नंबर आ गया है, ड्राइवर का नाम पता चल गया है, उसको पकड़ने के लिए एक पुलिस पार्टी हमारी रवाना हो गई है, और बहुत जल्द इसको हम गिरफ्तार कर लेंगे। आज जो गाड़ी मिली है उसमें 9 जानवर मिले हैं, और ये लगातार अभियान चल रहा है। पिछले हफ्ते भी हम लोगों ने 2 ऐसी कार्रवाई की थी, और इन पशु तस्करों के ऊपर पूरी तरीके से लगाम लगाया जाएगा। लगातार इस तरह का अभियान जारी रखा जाएगा। इनके खिलाफ में पशु क्रूरता अधिनियम की धारा की अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, आगे एक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पशु तस्करी के मामला सरलग आगू आत रहे, फिर कई बार पुलिस के गिरफ्त ले लोगन मन फरार हो जाते, लेकिन जशपुर मां पुलिस के कार्रवाई आगू आ ही। अब देखना हो ही कार्रवाई कते कारगर साबित होते और आगू गलो पशु तस्करी के मामला थमते या नहीं। जशपुर संवाददाता सुमित गुप्ता के खास रिपोर्ट।